इंडियन रेस्टोरेंट को मैं साउथ इंडियन फूड ट्राई करने जा रही हूँ, तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, उसके रिव्यूज़ देंगे और कैसा है खाना कैसा नहीं है। वैसे यहाँ बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हैं, ऑथेंटिक साउथ इंडियन डोसा और इडली वगैरह मिलता है वहाँ पर, और मैंने एक बार ट्राई किया जिस रेस्टोरेंट में मैं जा रही हूँ, आज मेरे हस्बैंड के साथ मैं जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है और मैं आपको वहाँ का एम्बियंस भी दिखाऊँगी और अंदर बैठ के जो भी डिशेज़ हम ट्राई करेंगे वो आपको भी ट्राई कराऊँगी और उसके रिव्यूज दूँगी। तो लेट्स सी, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने घर से निकल चुके हैं। हम जैसे मिल्टन में रहते हैं, तो मिल्टन से हम मिसिसागा जा रहे हैं, सिटी है, और ये 29 किलोमीटर दूर है हमारे प्लेस से, तो अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट्स लग जाएंगे जाते हुए। तो जिस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं वो है सर्वन भवन, इंटरनेशनली नोन है, और वहीं पर साउथ इंडियन फूड का टेस्ट करेंगे और मैं आप रिव्यू दूँगी, तो लेट्स सी कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर मिसिसागा की बात करें तो मिसिसागा इज़ हिस्टोरिकली नोन एज टोरंटो टाउनशिप, तो ओंटेरियो प्रोविंस में आती है ये, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्लिंगटन हमने विज़िट किया था और वो लेक ओंटेरियो पे था, तो वैसे ही मिसिसागा भी लेक ओंटेरियो के शोर पे सिचुएटेड है, और इसकी बॉर्डरिंग जो सी सिटी है वो टोरंटो है, ईस्ट में पड़ती है वो। तो अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 7 लाख के करीब पॉपुलेशन है इसकी 2021 में, और 7th मोस्ट पॉपुलेशन वाली जो सी म्यूनसीपैलिटी है वो कनाडा की मिसिसागा है। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात अगर मैं करूं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे हम मिल्टन में रह रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी हैं, और एक यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर, और रहने के लिए अगर अपार्टमेंट्स की बात करें तो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट कल्चर है, और अगर बेसमेंट लेना चाहते हैं आप तो 1500 से लेकर 2000 तक बेसमेंट आपको मिल जाएगी, और अगर ऊपर फ्लैट्स अपार्टमेंट या फिर कुछ भी मेन फ्लोर पे लेना है वो आपको 2000 प्लस में ही मिलेगा। कुछ थोड़ी सी कॉस्टली सिटी है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा है, और एज़ कम्पेयर टू जहाँ हम रहते हैं वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी इतना अच्छा नहीं है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और ब्यूटीफुल सिटी है। अगर घूमने के प्लेसेस की बात करें वो भी मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ, और अगर इसके बारे में और जानकारी आपको चाहिए मिसिसागा के बारे में तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है missisaga.ca, तो उसके ऊपर जाके आप ईच एंड एवरीथिंग, स्पोर्ट्स कौन से हैं, एजुकेशन के मामले में या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको उस साइट पे मिले। तो मिसिसागा के विजिटिंग प्लेसेस की बात करें तो बहुत सारे विजिटिंग ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ वीकेंड पे जा सकते हो, प्रॉपर ऐसा कोई 1 वीक की वेकेशन के लिए नहीं है वो। उसमें से सबसे पहले पोर्ट क्रेडिट है, एक्चुअली क्या है कि ओंटेरियो लेक पे होने की वजह से आपको बहुत सारी पार्क मिल जाते हैं जहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हैं, सैटरडे संडे स्पेंड कर सकते हैं, और उसके अलावा शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये तो बात रही पोर्ट क्रेडिट की। उसके अलावा आप अगर शॉपिंग करने का मन है तो स्क्वायर वन मॉल है, बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉपिंग कर सकते हैं वहाँ पर आप, वहाँ पर एप्पल स्टोर भी है, और एप्पल स्टोर में अगर आपको कुछ चाहिए, या बहुत सारी फूड आउटलेट हैं और खाने का भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा जैक डार्लिंग मेमोरियल पार्क है जो कि पिकनिक के लिए, और वहाँ एक बीच भी है और आप अपना 2 दिन अच्छी तरह स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पर भी। टेनिस कोर्ट है वहाँ, स्प्लैश पैड है, प्लेग्राउंड्स हैं, और पिकनिक साइट है बेसिकली, आप सैटरडे संडे ही स्पेंड कर सकते हैं वहाँ पर। और उसके अलावा सेलिब्रेशन स्क्वायर है जहाँ पर फाउंटेन वगैरह लगे हुए हैं, सिटी हॉल के नियर ये सिचुएटेड है, वहाँ फूड ट्रक्स मिल जाएंगे, जैसे अपने अपने फूड ट्रक लेकर आए होते हैं वेंडर्स, और आप डिफरेंट टाइप के फूड को इंजॉयमेंट कर सकते हैं, और इवेंट भी होते रहते हैं वहाँ पर। तो उसके अलावा 2-3 और हैं, और इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, और आज हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में ही जा रहे हैं क्योंकि हमें कोई काम था, मिसिसागा में हम ज़्यादा तो नहीं घूमेंगे, बट हाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ का आपको रिव्यू देंगे, और उसके बाद 1-2 जगह विजिट करके घर वापस आ जाएंगे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो ये सर्वन भवन है जो कि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, और एक्चुअली इंटरनेशनली फेमस है, इसकी ब्रांचेस US में भी हैं, तो साउथ इंडियन टिपिकल फूड मिलता है यहाँ पर, किसी ने रिकमेंड किया था तो आज मैं यहाँ पर हम ट्राई करने के लिए आए हैं, देखते हैं कैसा फूड होगा। और इसके अलावा ये जो जहाँ पर सिचुएटेड है वहाँ एक जैपनीज रेस्टोरेंट भी है बहुत फेमस, और वहाँ पर मैंने सुना है कि लाइंस लगी होती हैं, तो वो भी हम विज़िट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कैसा चल रहा है। ये देखिए, ये है
यूबी यूबी एक जैपनीज रेस्टोरेंट है जो कि बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, और देखिए लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, लोग वेट कर रहे हैं। डाइन इन है और संडे का दिन है तो काफ़ी रश है और लोग जैपनीज, एक्चुअली यहाँ पर एशियन कंट्रीज़ की और डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट क्यूजींस आराम से मिल जाएगा, चाहे जैपनीज़ है, चाइनीज़ है, टिपिकल जो वहाँ का बना होता है खाना वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो एक ये रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पर भी आप जैपनीज़ जो ग्रिल फूड होता है, बारबेक्यू स्मोकी फ्लेवर वाला, वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो रेस्टोरेंट के अंदर हम आ चुके हैं और ये इसका एम्बियंस है, और हमने दो ऑर्डर किए हैं। एक तो किया है मिनी टिफ़िन। मिनी टिफ़िन ऑर्डर करने का मेरा एक मकसद ये था कि उसमें एक तो रवा खिचड़ी है, एक मिनी इडलीज है, उसमें क्या होगा कि इडलीज का भी टेस्ट पता चल जाएगा, सोक्ड इन सांभर। मिनी मसाला डोसा है, मसाला डोसा का भी पता चल जाएगा टेस्ट। रवा केसरी एक मीठी डिश है उसमें, और साथ में सांभर सब होगा और दो चटनी होंगी। तो एक मिनी टिफ़िन है और एक पर्सन के लिए काफ़ी है, मुझे लगता है हमारे लिए तो दो के लिए काफ़ी है। और उसके अलावा मैंने सांभर वड़ा भी ऑर्डर किया है और उसका भी टेस्ट मुझे जानना है कि यहाँ पर कैसा है, तो देखते हैं अभी ऑर्डर किया है और कैसा रहता है खाना। तो मैं खाने का रिव्यू दे देती हूँ। अगर हम सांभर वड़े की बात करें तो वड़ा वैसे तो टेस्टी था बट थोड़ा ऑयली ज़्यादा था, और सांभर अप टू मार्क नहीं था, जैसे साउथ इंडियन टिपिकल टेस्टी सांभर होता है और खुशबू से ही पता चल जाता है, वैसा सांभर नहीं था। और मैं मिनी टिफ़िन को 10 में से 8 पॉइंट दूंगी, क्योंकि मिनी टिफ़िन में रवा खिचड़ी बहुत टेस्टी थी, मिनी इडलीज भी बहुत अच्छी थी, बट वो सांभर में सोक थी और सांभर मैंने आपको बताया कि इतना टेस्टी नहीं था। मिनी मसाला डोसा भी अच्छा था, डोसा थोड़ा सा ऑयली ज़्यादा था। रवा केसरी एक मीठी डिश थी वो भी अच्छी थी, और उसके अलावा दो चटनी थी और वो भी टेस्टी थी। तो ओवरऑल जो मिनी टिफ़िन था वो बहुत अच्छा था, उसमें मैंने 3-4 डिश ट्राई की एक ही टिफ़िन में, और उसके अलावा जो हमने सांभर वड़ा खाया था वो भी ओवरऑल 10 में इसमें उसे 6 पॉइंट दूंगी, जो मैंने इंडिया में खाए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर उसके कंपैरिजन में करूँ तो। तो ये ओवरऑल था, तो ठीक है, हमने इंजॉय किया, एम्बियंस बहुत अच्छा था, और साउथ इंडियन सॉन्ग्स चले हुए थे, म्यूज़िक चला हुआ था, और ओवरऑल इंजॉय करके हम फिर बाहर आ गए। तो गाइस, मिसेस आगा से हम वापसी कर रहे हैं, और आज हमने एक रेस्टोरेंट को विज़िट किया, और हमें एक्चुअली काम से हम यहाँ आए थे, हम विंटर टायर्स पिक करने आए थे, और एक्चुअली यहाँ समर और विंटर टायर्स अलग होते हैं कार के, तो वो पिक करके हमें रेस्टोरेंट में खाना इंजॉय करके हम वापसी कर रहे हैं। फिर किसी दिन आएंगे, 2-3 और प्लेसेस को विज़िट करेंगे, आज इतना ही कर पाए हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, कमेंट करें, और आप सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं बट सब्सक्रिप्शन कोई कोई लेता है, तो मुझे लगता है कि मैं हार्डवर्क कर रही हूँ और आप उसे अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच।